उज्जैन में मैंने एक वीडियो बनाया था उज्जैन के मंदिर के अंदर, वो वीडियो वहाँ के पुजारियों को और हिंदू समाज संगठन के सदस्यों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी, उन्होंने आपत्ति जताई है उस वीडियो पर मेरा मतलब किसी भी राजनीतिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुँचाने का नहीं था, पर अगर मेरी वजह से किसी को भी ठेस पहुँची हो या राजनीतिक सामाजिक या धार्मिक संगठनों को ठेस पहुँची हो तो मैं उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि मेरी किसी भी प्रतिक्रिया से किसी भी समाज के धार्मिक या राजनीतिक संगठनों को ठेस ना पहुंचे। अगली बार से मैं इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। तो मैं उस चीज़ के लिए जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। वहीं इस पूरे मामले पर गृह मंत्री नरोत्तम पर वायरल हुआ था और बेसिकली इसको शेयर किया गया था इंस्टाग्राम पर और इसको टिकटॉक पर बनाया गया था। ये प्राइमा फेसी महाकाल मंदिर के अंदर किसी ने बनाया था और उसको बाद में शेयर किया गया था। इसमें एक गाइडलाइन जो है वहाँ बहुत सारे डूज और डोंट डूज को लेकर के, उसमें कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है महाकाल मंदिर परिसर में, इसमें इसका उल्लंघन पाए जाने पर इसमें एक पुलिस थाना महाकाल के द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गाने पे डांस किया है महाकाल मंदिर के अंदर, बहुत गंभीर विषय है ये और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और मैं आपत्ति जन्म मांगता हूं, इसलिए भी मानता हूं कि लगातार तीसरी या चौथी घटना है और वार्निंग भी देता हूं मैं इस तरह के जो भी लोग हैं उन्हें कि अब अगर कोई शिकायत आई तो बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इसलिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, धार्मिक स्थानों पर इस तरह का बनाने का प्रयास न करें। मैंने एसपी उज्जैन को तत्काल निर्देश दिए थे वीडियो देखते ही कि इस पर तत्काल केस रजिस्टर्ड करें और कार्रवाई करें।